दोस्तों ट्रेन के लोकोमोटिव में आपने इस तरह के स्टेयरिंग को जरूर देखे होंगे। बहुत लोग यह समझते हैं कि यह एक स्टेयरिंग है जिससे ट्रेन को टर्न कराया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसे नॉच बोला जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर की टैपिंग को चेंज करके लोकोमोटिव की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकोमोटिव का टैप चेंजर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। दोस्तों वर्तमान में हमारी इंडियन रेलवे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्किंग में है, कुछ को छोड़कर लगभग सभी का इलेक्ट्रिक सिस्टम सेम होता है, जिसमें स्पीड का कंट्रोल ट्रैक्शन मोटर पर दिए जाने वाले वोल्टेज के वेरिएशन से होता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मोटर की टॉर्क और स्पीड बढ़ेगी और कम करेंगे तो कम होगी। इस तरह का वेरिएशन लोकोमोटिव में लगे ऑन लोड टैप चेंजर के द्वारा किया जाता है। पेंटोग्राफ OHE से 25 केवी की सप्लाई लेकर ट्रांसफार्मर को देता है, उसके बाद उसे स्टेप डाउन करके उसे DC में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। दोस्तों इस टैप चेंजर की वर्किंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर की ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें ज़्यादा टर्न्स हैं, और ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें कम टर्न्स हैं। ये जो टर्न्स देख रहे हैं इसमें कम है और इधर ज़्यादा हैं। चूँकि ये जो है इधर हम ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इधर हमको कम वोल्टेज मिलेगी। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, मतलब कि जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। दोस्तों ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज हो रहा है, वो उसके टर्न्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इधर हम ज़्यादा टर्न्स पे वोल्टेज दे रहे हैं और इधर जो है कम टर्न्स होने से कम वोल्टेज मिल रहा है। उसी तरह से इस इमेज में आप देखेंगे कि यह जो है इधर में कम टर्न्स हैं और इधर में ज़्यादा हैं। ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब कि इधर हम लो वोल्टेज को देंगे तो इधर हमको हाई वोल्टेज मिलेगी। इसे जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जो कि कम वोल्टेज को ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो उसके कॉयल जो है ये कॉयल के टर्न्स पे डिपेंड कर। दोस्तों जो लोकोमोटिव में टैप चेंजर के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वह एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इस इमेज में आप एक ऑटो ट्रांसफार्मर विथ टैप चेंजर को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो गोल सा देख रहे हैं ये लोकोमोटिव में लगा जो नॉच होता है, जो आगे केबिन के पास होता है लोको पायलट के पास, ये नॉच है उसकी। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैपिंग दिए हुए हैं। ये एक टैप हो गया, दो टैप हो गया, तीन टैप हो गया, इस तरह से 32 टैप होते हैं। और इस टैप पे जो सप्लाई होती है इस नॉच के द्वारा चेंज की जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग पे हम सप्लाई दे रहे हैं तो इधर से सप्लाई आती है और ये ऐसे जिस पे हम नॉच को टच करेंगे उधर से हमको सप्लाई मिलती है। दोस्तों ये जो सप्लाई दी जाती है, ये जो नॉच को लगाया जाता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में लगाया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो करंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसे यहाँ पर जो है प्राइमरी वाइंडिंग में लगा कर हम इस वोल्टेज के जो है फ्लक्चुएशन को चेंज करके या वोल्टेज को चेंज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में उसी के फ्लक्चुएशन से या उसी के अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज मिलती है। अब जैसा आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ से एक सप्लाई आती है ऐसे, और ये जो अभी हम इस अगर टैपिंग पे इस नॉच को लगाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर जो टर्न्स मिल रहे हैं वो इतने मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। उसी तरह अगर इस टैपिंग को हम यहाँ से उठा के इस पे टच करा दें तो हमें पूरी की पूरी जो है यहाँ से वोल्टेज मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में मिलेगी। और उस तरह से इस टैपिंग को जो है हम यहाँ पे कर दें तो हमें ओनली यहीं से जो है वोल्टेज जो है इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। और उस तरह से इस टैप को उठाकर हमें यहाँ पे टच कराएं तो ओनली इतनी जो वोल्टेज है इतनी ही हमें आउटपुट में मिलेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो टर्न्स के चेंज होने से या वाइंडिंग के चेंज होने से ये टैप के जरिए हमें आउटपुट के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिल रहा है। चूँकि ये आउटपुट में हम जो वोल्टेज मिल रहा है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, उसी को जो हम ट्रैक्शन मोटर पर देकर उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नॉच को जो है हम मूव कराकर जो ट्रांसफार्मर की टैपिंग होती है उस पर वोल्टेज को चेंज करते हैं,
जिससे कि उसका जो आउटपुट या सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज मिलता है वो चेंज होता है, और उसके चलते हमारे जो ट्रैक्शन मोटर होते हैं उनकी जो ट्रैक्शन स्पीड होती है या जो ट्रैक्टिव फर्ड होता है वो चेंज होता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ये कैसे जो है किसी भी ऑटो ट्रांसफार्मर या जो लोकोमोटिव होते हैं उनके टैप चेंजर किस तरह से काम करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि टैप चेंजिंग क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर इसके बाद भी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।